तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हम हैं चंबा अपने होम टाउन में और आज यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है बिल्कुल अपने पीक पे है और आज यहाँ स्नोफॉल हो रहा है। मैं कल ही आया हरिद्वार से ट्रेवल करके और मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि यहाँ ऐसा वेदर होगा, लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा काफ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से स्नोफॉल हो रहा है और यू कैन सी इट लाइव। दिस इज अवर होम टाउन एंड द स्नोफॉल, लुक एट द ब्यूटी ऑफ द चंबा। ये कुछ हमारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, मिस्टर कृष्णा बिजलवाण जी। हेलो, हाय, कैसे हैं? मजा लीजिए। और ये भी हमारे बड़े भाई हैं देवेंद्र कोठारी, देवेंद्र कोठारी जी। और ये एक छोटे भाई और हैं, और इनकी हालत बिल्कुल ऐसी हो चुकी है, काफी अधिक है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, यूं कहें कि मजा सा आ रहा है। और आप लोग भी आइए, एंजॉय लीजिए, आइए बिल्कुल। और यहाँ पे इतना अच्छा वेदर हो चुका है, काफी बाहर की तरफ बर्फ ही बर्फ गिर रही है। यू कैन सी इट, यहाँ अंदर तक बर्फ आप देख सकते हैं। और ये देखिए पूरा मतलब हिमालय एकदम यही बन चुका है। बहुत ही सही वेदर है, टेम्परेचर में भी 2-3 degrees के अप्रॉक्स होगा अभी, लेकिन आप वेदर देखिए बॉस, यहाँ से इतनी अच्छी तरीके से बर्फबारी हो रही है अभी। आप भी इस मनोरंजक नज़ारे का मजा लीजिए हमारे साथ। और आज प्रकृति ने सोचा है कि एक बार फिर से इस चंबा की धरती को सफेद चादर से ढका जाए। स्नो इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, सिंपली समझा जाए स्नो एक प्रतीक है शुद्धता का, उस स्थान की शुद्धता का। Chamba is an awesome place. अभी कुछ टाइम पहले एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ बर्फबारी मतलब मीन्स बर्फ टिकेगी, मे बी अब मौसम खुल रहा है, लेकिन ये नज़ारा भी काफ़ी ब्यूटीफुल और देखने लायक है। सो आपको मैं दिखा दूं, सो आप देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल ये सीन है। यहाँ मौसम सेकंड्स में चेंज हो जाता है, तो यहाँ कुछ हम बिल्कुल पहले से भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, बट जो भी है नेचर अपने रंग दिखा रहा है एंड वी हैव टू एंजॉय इट। सो हम एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा वेदर है अभी। आज हमारा प्लान था कि आज हम धनोल्टी जाएंगे और उसके बाद मसूरी, लेकिन मौसम को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पे आज दिन में तो थोड़ा बहुत बर्फबारी हुई, लेकिन अभी बिल्कुल मौसम बिल्कुल खुल सा गया है। और कैमरामैन से मैं अनुरोध करूँगा कि दिखाएं मौसम को इस तरीके से, ये खुल चुका है मौसम अभी। और अभी हम सारे भाई लोग यहाँ पे आग जलाती है, आग सेकने बैठे हैं, ये हो गया इस नज़ारे को भी देख सकते हैं। और कृष्णा जी आप भी आइए। हाँ मैं आती हूँ। क्या आग जलाई है, अभी टेम्परेचर यहाँ पे 1-2 degrees के तकरीबन है और ठंड बिल्कुल अपनी पीक पे है, चरम सीमा पे है। और यहाँ पे सारे हमारे गढ़वाली भाई हैं,
बिल्कुल एक्सट्रीम चाचा बोलो हम घूमना होता हूं टेंपरेचर है रोहाल जी लगाया गाड़ी है आगे हम जाना चले ना निर्माण में फर्क पड़ने वो थोड़ा गाड़ ली सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जयदीपुनियाल और हिट द लाइक बटन फॉर दिस वीडियो और आगे ही ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ थैंक यू स्टूडियो